ये आज का जो कंटेंट है ना, शॉर्ट वाले रास्ते पे जाओ, 50,000 रुपए का परमिट बनवाना पड़ता है। एक झप्पी दे दे प्लीज। गंडक नदी इसको बोलते हैं। बेटा गोप्रो, धोखा क्यों दे रहे हो? बिहार में एंट्री करते ही जंगल स्टार्ट है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। जिंदगी इंजेक्शन लगेगा, देख रहे हो? नदी, पहाड़, जंगल, कैंप यहाँ से होता है। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। क्यों लगते तुम पास मेरे? अंकल ब्रिज खुला है ना? सॉन्ग शूट कर रहे हो क्या आप लोग? मैं यही हूँ गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम निकल रहे हैं। राइड पे नहीं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, आज रील सेशन है इसके लिए जा रहा हूँ। तो मैं रेडी होने के लिए उठा हूँ और जल्दी से जा रहा हूँ फ्रेश व्रेश होके। 6 बजे तक हम लोग को निकल जाना है, तो चलते हैं। पहले रेडी होते हैं फिर निकलते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। ओके गाइस, मैं तैयार होके 15-20 मिनट से वेट कर रहा हूँ चंदन भैया का। तो अपना कैमरा बैग भी तैयार हो चुका है, इसे आप देख सकते हो। अपनी बाइक भी रेडी हो चुकी है और अपना हेलमेट भी रेडी हो चुका है। और 1-2 कपड़ा मैं एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ कि रील्स बनाने में 1 हफ्ते का रील्स मुझे चाहिए, ठीक है? तो 1 ही कपड़े पे तो डाल नहीं सकता हूँ, तो 2 कपड़ा मैं एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ। जब सनराइज होता है तो इतना प्यारा लगता है ये। अबे भाई ये क्या है? गैंग। आप लेट है सर आज? अरे ढाला फांग के मत आइए, ऐसी गलती ना करिए। लेट भले ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं वाल्मीकि नगर, क्योंकि उधर लोकेशन बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे माइंड चेंज हो गया, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और आज है संडे भी, इस वजह से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि संडे की वजह से ये चीज़ हुआ है कि हम लोग वाल्मीकि नगर जा रहे हैं। और काफ़ी टाइम बाद मैं जा रहा हूँ। ये आज का जो कंटेंट है ना, रील्स बनाने हैं हमको। मैंने जो इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया हुआ है उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उस पर अपने को फ्यूल डलवाने के लिए ये प्रोसेस करना पड़ता है। ये खोलने के बाद चाबी निकालो, उसके बाद ये लंबा प्रोसेस। तो फ्यूल अप कराने के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से, बस टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। एंड एक और बात, मैं पटौना से वाल्मीकि नगर जा रहा हूँ, तो किलोमीटर कितना पड़ेगा मैं आपको अप्रॉक्स बताऊँगा, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है। एंड गूगल मैप पे आप सर्च करोगे तो 2 रास्ता दिखाता है, एक 100 किलोमीटर के अबव दिखाता है एंड एक 100 किलोमीटर से मिनिमम दिखाता है, ठीक है? तो दोनों रास्ते का मैं गूगल मैप दे दूंगा आपको, लेकिन आप कभी भी जाओ तो ये शॉर्ट वाले रास्ते पे जाओ, थोड़ा सा आगे रास्ता ख़राब मिलेगा लेकिन वो सही है। तो कैसा लग रहा है सुबह सुबह बाइक राइड करके? अमेजिंग ना? तो अभी मैं पनियावा पहुँच चुका हूँ, पटौना से पनियावा। एंड यहाँ पे एक चीज़ फेमस है, मैं जैसे कि आपको बता दूँ, मछली भुजा। तो यहाँ से लाइन से ऐसे कुटी बने हुए हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पे मछली और भुजा मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं मछली भुजा बस सिर्फ खाने, और यही है यहाँ पे। फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं रुक इसलिए गया था कि गोप्रो हैंग कर दिया था, खाने के लिए नहीं रुका था, कमेंट मत करना क्योंकि मुझे मछली वैसे ही पसंद नहीं है, पसंद है बिना कांटे वाली। ओके, लग रहा है इस बार ये ब्रिज बन जाएगा, होप सो। चेक पोस्ट एंड आगे बिहार आ जाएगा। अभी तो अपन यूपी में ही है, अभी एक छोटा सा चेक पोस्ट पड़ेगा, देन उसके बाद बिहार आ जाएगा। अगर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ से अगर उधर चला गया ना तो आपको इतना खूबसूरत व्यू आएगा, मैं दिखाता हूँ। वेट, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ 2 मिनट रुकते हैं, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक चीज़ दिखाता हूँ, आइए। बहुत खूबसूरत, ये देखो बस ट्रेन यहाँ से आता है, आप सोचो कितना खूबसूरत लगता होगा। ट्रेन यहाँ से आता है एंड ये वादियाँ देखो, हल्के हल्के पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से, मौसम क्लियर रहता तो और अच्छा पहाड़ दिखता है। यहाँ से अन्नपूर्णा रेंज भी दिखता है, वाइट वाली माउंटेन, लेकिन वो दिख रही है। नहीं नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, वो क्लाउड है, वो क्लाउड
क्लाउड नहीं है वो, क्लाउड नहीं है माउंटेन, अबे माउंटेन ही है भाई वो, क्लाउड नहीं है। अभी मैं बात कर रहा था एग्जैक्टली सामने दिख रही है, एकदम सामने ही दिख रही है। अबे हमें लगा क्लाउड है, मैं भी कंफ्यूजन हो गया था। पटौना से दिखता है पता है आपको, पटौना से दिखता है वो। जितेंद्र सर कितनी बार फोटो लिए हैं, क्या गजब का लग रहा है। ये जो है ना, इसके यहाँ पे जाने के लिए 50,000 रुपये का परमिट बनवाना पड़ता है, 50 से 40,000 नियर अबाउट, अन्नपूर्णा रेंज मुस्तांग अपर मुस्तांग जाने के लिए। हाँ चले फिर, कैसा था कमेंट करके बताओ लोकेशन। अबे तू क्या है, तू क्या है भाई, एक झप्पी दे दे प्लीज, आ जा। बहुत प्यारी चीज है यार, बाइक हो तो कोई भी बाइक हो ठीक है, फील करने के लिए कोई भी बाइक होना चाहिए। बाइक उठाओ और लोकेशन पे पहुंच जाओ, बहुत अच्छा लगता है, नेक्स्ट लेवल की फीलिंग है। ओके नाउ वी आर इन पनियावा ब्रिज, तो ये गंडक नदी इसको बोलते हैं, एंड ये पनियावा पुल है। और इसी लोकेशन की मैं बात कर रहा था, इस लोकेशन की मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, काफ़ी अलग लेवल की लोकेशन था ये। बेटा गोप्रो धोखा क्यों दे रहे हो, जल्दी से सेटल हो जाओ इसमें, और अब धोखा मत देना बता दे रहा हूँ। कसम से बता रहा हूँ, मुझे लगा बस बस की आवाज है, ठीक है। और मैं अभी कैमरा ही निकाल रहा था, उधर आगे व्हाइट वाली माउंटेन दिख रही है, अब मेरा गोप्रो धोखा दे दिया, पता नहीं क्यों बार बार ऑफ हो जा रहा है, इसको ठंड लग गई है मेरी तरह, ठीक है। तो अब आप सभी हमारे साथ बिहार में एंट्री कर चुके हो, एंड बिहार में एंट्री करते ही आगे का वो जो रोड है खराब मिलेगा थोड़ा सा आपको, देन उसके बाद खराब 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 खराब, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ओके अब तो अब आपको पता चल ही गया होगा, उत्तर प्रदेश सीमा समाप्त पुलिस चौकी सलीकपुर ऐसे कुछ थाना, लाल वाले बंदर यहाँ बहुत ज़्यादा है, रोड पे ही टहल रहे हैं। हेलो 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 छोटे मियाँ। सो गाइस अभी यहाँ से जंगल स्टार्ट है, एंड रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं गोप्रो ऑन नहीं कर रहा हूँ, बस ड्राइविंग पे फोकस कर रहा हूँ। गांव के रास्ते से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं वाल्मीकि नगर, बिकॉज वो वाला जो रास्ता है ना बहुत ज़्यादा गंदा है, एंड ये थोड़ा सा उसी रास्ते पे निकलेगा, लेकिन ये अच्छी रास्ता है थोड़ा सा। ओके 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 ये रास्ता वो वाला रास्ता ये वाला आता, ठीक है। अब हम लोग उसी रास्ते में मिल गए, एंड अभी आगे थोड़ा सा बस जस्ट थोड़ा सा ही और आगे, उसके बाद अच्छी रोड मिलेगी हम लोग को, और इसे बोलते हैं मदनपुर चेक नाका। तो जैसे ये यहाँ पे चेक पोस्ट होता है बेसिकली, यहाँ पे हम लोग बिहार में इस टाइम, और ये चेक पोस्ट है मदनपुर, ये पूरा चेक ना ये जंगल है पूरा, तो यहाँ पे स्पीड नॉर्मल रहेगी, हॉर्न नहीं बजाना है, ठीक है। कई जगह साइन भी दिया होगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, काफी प्यारा लोकेशन लग रहा है। ये देखिए क्या लिखा है, कृपया धीरे चले, जानवरों को पहले रास्ता दे। आप देख सकते हो लिखा हुआ है, कृपया धीरे चले, जानवरों को पहले रास्ता दे। ओके इस जंगल में टाइगर भी है, इतना प्यारा ये वाइट वाली माउंटेन आ रही है अन्नपूर्णा रेंज, गजब की लग रही है यार। गोप्रो में नहीं दिख रहा है, लेकिन
गजब का दिख रहा है नंगी आंखों से। वाओ वाओ, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। हेलो हेलो हेलो, वो देखो, वो उसको देखो, गजब गजब मछली है भी। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। एंड एक और बात, कईयों को लगता होगा कि मैं हमेशा वाल्मीकि नगर क्यों आ जाता हूँ। आज जो है ना, स्पेशली रील के लिए मैं आया था। मतलब मैं कई बार आया हूँ, आई नो, अब मैं कई सारे वीडियो भी यहाँ का बनाया हूँ, आई नो, लेकिन आज मैं स्पेशली रील के लिए आया हूँ, ठीक है। तो जज नहीं करना, कमेंट नहीं करना कि यार क्यों बार बार, कई लोग कमेंट करते हैं यार एक ही जगह पे बार बार जाते हो, नेपाल जाते हो, नेपाल जाते हो, यार रीज़न है उसके पीछे। कभी मिलो, फिर बैठो मेरे साथ, पता चलेगा कि मैं क्यों बार बार नेपाल जाता हूँ। गलत रीज़न नहीं है, कह सकते हो मजबूरियाँ हैं। चलो इतना हिंट दे दिया, अब इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं। पुरानी वाली बस कितनी अच्छी लग रही है। हेलो, सब्सक्राइब करो, लाइए भैया, मैं कर देता हूँ। साहिल ब्लॉग्स 03 बीच में लॉकडाउन की वजह से छोड़ दिया था ना मैंने। थैंक यू भाई लोग। हाँ, अभी वाल्मीकि नगर हम लोग जा रहे हैं, पड़ोना से जी। बच्चे दिवाली के पटाखे फोड़ रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, देखो इनको। ये इंजेक्शन इनके लिए, क्या इंजेक्शन लगेगा? इमरान भाई को लगा इंजेक्शन इस मोटे मोटे नसों में। आराम से भाई, इजी इजी इजी, पंप मत करिए। ये किस चीज़ का इंजेक्शन लग रहा है इनको? लेकिन फीवर का वो दवा खा के काम चलाना चाहिए भाई, वायरल फीवर होता है बेसिकली। वो वो अमेजिंग, हाँ मेरा एक मोबाइल से ले लिया पोर्ट्रेट। टाइम से मैं इस जगह पे आके एक फोटो क्लिक कराना चाहता था। देख रहे हो, नदी, पहाड़ और मैं और मेरी बाइक, सब सेक्सी है। ये रहा बॉर्डर, आप उससे उधर जाओगे वो नेपाल पड़ेगा। यहाँ कुछ रील्स बना लिया जाए। दो जगह पे हमने शूट कर चुका है एंड अभी जो है हम लोग को बहुत तेज वाली भूख लगी है, तो हम लोग, टाइम हो गया 11:22, 11:30 हो गया और हम लोग जा रहे हैं आगे। एक होटल है, वहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे नॉर्मल,
देन उसके बाद फिर काम पे लग जाएंगे अपने, और उसके बाद 3 बजे यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे, बिकॉज़ ये रास्ता सही नहीं है आगे जंगल वाला, तो 3 बजे तक हम लोग को यहाँ से निकल जाना एनी हाउ। तो इस वजह से जल्दी जल्दी में अब सारी कामें हो रही हैं। सुबह में आना चाहिए था, अचानक से सडन में प्लान बनता तो यही होता है, अचानक से प्लान बना, इस वजह से हम लोग को दिक्कत हो गई। अगर हम लोग और सुबह निकलते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं रहता। ये रिजॉर्ट है, जंगल कैंप यहाँ से होता है, टेंट, ट्री हाउस, बम्बू हट एंड पार्किंग। पार्किंग कहाँ है? ओके, सोचिए रात में क्या प्यारा व्यू आएगा ना, है ना, रात में कितनी अच्छी व्यू आएगी। रिसेप्शन काउंटर, व्हीकल पार्किंग उधर, कैंटीन इधर। ओके, डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसलिए बदन को ढक कर रखें। ओके, सो गाइज अभी हम लोग वाल्मीकि नगर में हैं एंड यहाँ पे काफ़ी प्यारा टूरिस्ट स्पॉट है एंड जंगल सफारी यहाँ पे होता है, बोट सफारी होता है और कौलेश्वर झोला कोई है, रिवर फ्रंट भी है यहाँ पे। अभी ये रिसेंटली बना है, एको पार्क भी बना हुआ, ये भी रिसेंटली बना है, वाल्मीकि विहार और गंडक बैरेज, ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप आके होम स्टे, नाइट स्टे भी ले सकते हो। कुछ ऑर्डर हो रहा है कि नहीं? तो अभी आप पूरी कचौड़ी, सादा रोटी, पराठा चलेगा, मतलब जो भी अभी हम लोग थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड वहाँ पे रील शूट करेंगे। एंड बेसिकली आपको पता ही है कि मैं रील्स के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो बस वही कार्यक्रम चलता रहेगा एंड अभी मिलते हैं। क्यों लगते तुम पास मेरे जदों मेरी तन्हाई आवे, कैसे कहां ये प्यार है क्या यारा हम समझा ना पावे, ना जाना मैं तेरा प्यार क्यों मैं समझ में ना पाया, मुझे ढूंढ लाया। ओके गाइज, तो अभी यहाँ पे पेट पूजा करने के बाद एंड बहुत प्यारी से एक रील बनाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं थोड़ा सा और आगे, जिस पूल की मैं बात कर रहा था उस पूल पे, देखते हैं खुला है कि नहीं खुला है, लग रहा है खुला है। अंकल ब्रिज खुला है ना? कितने रुपए हैं चार्ज? 12 रुपये। ओके, आइए, खुला है। सस्पेंशन ब्रिज का 12 रुपया, 3 टिकट दे दीजिए, दिखाता हूँ मैं। वो आज जाने को मिलेगा इसमें। ओके, कर लिया हूँ मैं, हिल रहा है ये। गाइज अभी हम लोग टेलीस्कोप को फोन के लेंस में लगाएंगे और वो माउंटेन आप देख रहे होंगे वो वाला हम लोग कवर करने वाले हैं। अरे सॉन्ग शूट कर रहे हो क्या आप लोग? अच्छा, यूट्यूब पे चैनल वगैरह भी है, जरा हमें बताइए। एक मिनट भाई, हाँ मेरा भी चैनल है, मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ, देखे हैं। एंड इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल चुके थे, शाम हो गया था तो जल्दी जल्दी बस निकल गए, गोप्रो चार्ज नहीं था एंड इसलिए मैं रास्ते का कोई सूट वगैरह कुछ नहीं किया, बस घर के लिए निकल गए। इसके बाद हम लोग घर पहुँचे एंड 14-15 दिन वेट किए वीडियो एडिट करने के लिए, देन उसके बाद हम वीडियो एडिट करने बैठ गए, वीडियो एडिट किए, अब आपको वीडियो मिल गई तो कमेंट करके बता भी दो।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।